आप देख रहे हैं स्पेशल एट फोर। दिल्ली में प्राइवेट मस्जिदों के इमाम और मुअज्जिन को तनख्वाह देने का मामला तूल पकड़ रहा है। बीजेपी ने इस मामले में केजरीवाल सरकार पर मजहबी इम्पीजमेंट का इल्जाम लगाते हुए कहा है कि इमामों की तरह मंदिर के पुजारी, गुरुद्वारे और चर्च के पादरी पर कब मेहरबानी दिखाएगी ये सरकार। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने कुछ दिन पहले ऐलान किया था कि वो इमाम और मुअज्जिन के अलावा प्राइवेट मस्जिदों के इमाम और मुअज्जिन को भी तनख्वाह देंगे। दो दिन पहले ऐसा हुआ भी, करीब 1100 इमाम और मुअज्जिन के बैंक खातों में तनख्वाह आ भी गई। इस तनख्वाह का नाम दिया गया है वजीफा। ऐसा हिंदुस्तान में पहले बार हुआ है जब प्राइवेट मस्जिद के इमाम और मुअज्जिन को वक्फ बोर्ड ने इस तरह से तनख्वाह दी हो। प्राइवेट मस्जिद के इमाम को 14,000 और मुअज्जिन को 12,000 रुपए दिए जा रहे हैं, जबकि वक्फ बोर्ड वाले इमाम और मुअज्जिन को 14,000 और 18,000 रुपए के हिसाब से तनख्वाह दी जा रही है। वक्फ बोर्ड के इस फैसले पर दिल्ली बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड को 37 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार बजट के तौर पर देती है और ये पैसा मस्जिद के इमाम को दिया जा रहा है। केजरीवाल पर अपीजमेंट की सियासत का इल्जाम लगाते हुए कहा गया है कि अगर इमामों को सरकार तनख्वाह दे रही है तो मंदिर, गुरुद्वारे और चर्च को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है। इससे दिल्ली का अल्पसंख्यक समाज भी अपने आप को ठगावा महसूस कर रहा है और बाकी वर्ग जो हैं उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अगर आप जब मस्जिद के प्राइवेट इमामों की बात करते हैं तो दिल्ली के मंदिरों की बात क्यों नहीं करते आप? सवाल ये है कि गुरुद्वारों की बात क्यों नहीं करते आप? जो चर्च हैं उनकी बात क्यों नहीं करते आप? लेकिन इसका मतलब साफ है कि आप मंदिरों के पुजारियों की माली हालत पर आपका कोई ध्यान नहीं है। आप लेकिन जबरन गुंडागर्दी करके गैर कानूनी तरीके से जाली सिग्नेचर करके चेक के ऊपर और पैसा निकाल रहे हैं। इस मामले में दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई बयान मीडिया को नहीं दिया जा रहा है। हालांकि मस्जिदों के इमाम सरकार की हिमायत में जरूर खड़े हैं। नहीं, सियासी शगुफा नहीं। देखिए, अमानतुल्लाह ने तो इसको खुलूस दिल से किया है। ये आदमी ईमानदार है, मुखलिस है हर मामले में। अगर खुदा ना खास्ता सरकार नहीं आई, दूसरी सरकार जो आएगी उसका रवैया क्या रहेगा वो तो देखिए बाद की बात है, अभी उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, अगर यही सरकार रिपीट हुई तो मैं समझता हूँ कि प्राइवेट इमामों की तनख्वाह भी कंटिन्यू जारी रहेगी और वो कभी बंद नहीं होगी। इमाम और मुअज्जिन की सैलरी का मुद्दा पहले भी उठा था, अब भी उठ रहा है। हालांकि ये इसलिए भी तूल पकड़ रहा है क्योंकि दिल्ली में असेंबली इंतखाबात हैं और केजरीवाल सरकार चाहती है कि वो मुसलमानों को इसके सहारे अपनी जानिब रागिब करने में कामयाबी हासिल करे। लेकिन बीजेपी अब इसे मुद्दा बनाकर अक्सरियत आबादी वाले समाज को अपनी तरफ खींचना चाहती है। जी मीडिया के लिए दिल्ली से शुएब रजा की रिपोर्ट। तो क्या मुस्लिम अपीजमेंट की सियासत कर रही है दिल्ली की केजरीवाल सरकार, और क्या मुअज्जिनों को और इमामों को तनख्वाह अगर दी जा रही है और खासतौर पर वो इमाम जो वक्फ बोर्ड के अंदर आते हैं, तो इसमें आखिर बुराई क्या है और क्यों बीजेपी को इस पर एतराज है? क्या सैलरी देना और इस पर सवाल खड़ा करना, क्या दोनों ही सियासी है? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ रेनू भाटिया साहिबा हैं, लीडर हैं, बीजेपी के स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रविंदर सिंह सेठी साहब हैं, वीपी हैं श्रोमणी अकाली दल दिल्ली के और पोलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अब्दुल हमीद नुमानी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। रेनू जी, शुरुआत में आपसे करूंगी, एतराज क्या है आपको अगर वक्फ बोर्ड की कमाई होती है और अगर उससे इमामों को और मौजिनों को तनख्वाह दी जा रही है तो आपको क्या परेशानी है? बिल्कुल परेशानी नहीं है, लेकिन सोच केवल इतनी आती है कि क्या केवल एक ही धर्म को, एक ही बिरादरी को, एक ही जाति को केजरीवाल सरकार सोचती है कि वही दिल्ली के बशिंदे हैं, वही नुमाइंदे हैं दिल्ली के, या और भी कोई दिल्ली में रहता है या बाकी जनता? तो मुसलमानों की प्रॉपर्टी है ना, तो उसकी कमाई का पैसा तो कहीं और नहीं दिया जा सकता। देखिए, ये एक सरकार जो एक मुहिम चला रही है, ये पर्टिकुलर एक जो है एक जाति को देने के लिए या एक संस्था को देने के माध्यम से जो कर रही है, ये इससे साफ झलकता है कि वो पर्टिकुलर एक
दिशा में चलना चाहते हैं, उनको या तो दिल्ली के किसी और लोगों से, किसी और बिरादरी से, जाति से, किसी और जो है यहाँ के वोटर से कोई मतलब लेना देना नहीं है जो दिल्ली के लोग हैं, या फिर वो कुछ और उनकी सोच है कि अब चुनाव आने वाले हैं तो किस तरह से वो किसी को बहलाए फुसलाए और आगे वोट इलेक्शंस में उनको इस्तेमाल करें। मुझे लगता है कि ये सियासत के ढंग से सियासत मेरे पास और बहुत सवाल है आपके लिए, लेकिन फिलहाल मेरे रिपोर्टर जिनकी रिपोर्ट है शुएब रजा, वो फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शुएब, मुझे बताइए कि आखिर ये मामला बार बार क्यों उठाया जाता है? इससे पहले भी हमने देखा था कि इसको लेकर एतराज जाहिर किए गए, लेकिन फिर ये ठंडे बस्ते में चला गया। अब चूंकि असेंबली इलेक्शन बिल्कुल ऐन करीब है, क्या आपको लग रहा है इसीलिए ये पूरा मामला इस तरह से उठाया गया है? इसमें तो कोई दो राय नहीं कि सियासत से भी ये मामला जुड़ा है, लेकिन इसमें एक अहम जो बात है वो ये है कि बोर्ड का अब तक कोई सरकार का बजट नहीं होता था। इस बार 37 करोड़ रुपए बतौर बजट दिल्ली हुकूमत ने दिए, और उसके बाद ये ऐलान भी किया गया कि जो प्राइवेट इमाम है उनको भी सैलरी देगा वक्फ बोर्ड। तो बीजेपी की तरफ से सवाल उठाया गया है कि जब तक बजट नहीं था आप कुछ कर रहे थे तो वो वक्फ बोर्ड का मामला था, लेकिन चूंकि दिल्ली सरकार बजट दे रही है तो आप एक खास समुदाय के लोगों पर इसको खर्च नहीं कर सकते इस तरह से कि मस्जिदों के इमामों को दी जाए तो फिर मंदिरों के पंडित और चर्च के पादरी को भी इस कैटेगरी में लाना चाहिए। लेकिन शुएब, सवाल ये है मेरा आपसे कि अगर 37 करोड़ रुपए अगर वक्फ बोर्ड को दिए जा रहे हैं तो वो तो वक्फ के लिए ही वहां पर महदूद हो जाते हैं। बिल्कुल, देखिए गुशा, ये सवाल सही है कि जब वक्फ बोर्ड को कोई पैसा दिया गया है वो उसे कर्मचारियों की सैलरी देने में खर्च कर रहा है या किस तरह से, यकीनन वो सरकार को देखना है या वक्फ बोर्ड को, वक्फ बोर्ड वो अपना तय करेगा। लेकिन इस मामले में चूंकि अब विधानसभा इलेक्शन भी है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए जो सियासत है वो अक्सर समाज को लुभाने के लिए ये एक मुद्दा हो सकता है, और वो शायद इसी कोशिश में है कि वो इसको उठाएगा। तो कम से कम अगर बीजेपी उठाती है तो अक्सर समाज की तरफ, वो अक्सर समाज को अपनी तरफ खींचने में कहीं ना कहीं कामयाब होने की कोशिश करेगी। और वहीं जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है तो आम आदमी पार्टी भी इस कोशिश में है, ये सही बात है कि वो ये चाहती है, क्योंकि जब 3 दिन पहले जब प्रोग्राम हुआ घटा मस्जिद पुरानी दिल्ली में, इमामों को बुलाया गया तमाम और उनके सामने ऐलान किया गया कि प्राइवेट मस्जिद के इमामों को भी सैलरी वक्फ बोर्ड देगा, और कल ये सैलरी आई है, कल मैसेजेस आए हैं जी। तो उस वक्त संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के नेता भी है, राज्यसभा सांसद भी है, वो भी उस प्रोग्राम में मौजूद थे जो वक्फ बोर्ड ने किया था जी। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, दोनों अपने अपने तरीके से इस मसले पर सियासत कर रही है। आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि दिल्ली के मुस्लिम जिस तरह से 2015 में उनके साथ थे और एक तरफा एक तरीके से वोट दिया था उनको, उसी तरह से इस इंतखाबात में भी 2020 में भी उनके साथ, क्योंकि सवाल ये जरूर है शुएब कि माना कि वक्फ बोर्ड की जो कमाई होती है या सरकार ने जो उसे बजट दिया है वो उसे डिसाइड करना है कि उसे किस तरह से खर्च करना है, लेकिन उसके साथ साथ सवाल ये भी जुड़ा है कि अगर आपको ये ऐलान करना था कि मौजिनों की या इमामों को आपको सैलरी देनी है तो ये बजट मिलने से पहले इस तरह का ऐलान क्यों नहीं किया गया? देखिए, इस मामले पर जो आपको याद भी होगा कि इस बात का जो ऐलान है वो सीएम केजरीवाल की मौजूदगी में हुआ था, लोकसभा चुनाव जब थे उससे पहले एक कार्यक्रम रखा गया था कि वक्फ बोर्ड की जो इमाम है या मौजिन है उनकी सैलरी को दिल्ली वक्फ बोर्ड बढ़ाएगा, वो प्रोग्राम इतना था। लेकिन वहां पर सीएम केजरीवाल पहुंचे और कई और मिनिस्टर भी दिल्ली सरकार के पहुंचे, बड़े नेता थे वहां पर और मुसलमान बड़ी तादाद में उस हॉल में मौजूद थे। उस हॉल के अंदर अमानतुल्ला खान ने ये भी ऐलान कर दिया कि उनकी कोशिश ये भी होगी आने वाले दिनों में कि दिल्ली की प्राइवेट मस्जिदों के इमाम और मौजिन को भी दिल्ली वक्फ बोर्ड सैलरी देगा और उसको वजीफे का नाम दिया जाएगा जी। तो जब ऐलान कर दिया तो फिर ये दबाव बनने लगा कि आप इसको लागू कीजिए, दबाव ये भी बनने लगा क्योंकि अब विधानसभा इलेक्शन आ रहे हैं तो उससे पहले आप इसको इस पर अमल कीजिए और ये करके दिखाइए। तो कहीं ना कहीं एक दबाव भी में भी कहीं ना कहीं दिल्ली वक्फ बोर्ड था, उसके बाद सर्वे कराया गया। हालांकि अभी और भी मस्जिदें हैं, अभी जो खबर है वो ये है कि 1100 के करीब इमाम और मौजिन को दिया गया है जो वजीफा, लेकिन दिल्ली में इतनी ही और तकरीबन जो मुझे लगता है कि 2000 से ज्यादा प्राइवेट मस्जिदें हैं जी, इमाम और मौजिन हैं अलग अलग मोहल्लों में,
अलग अलग जगहों पर, तो उनका उनके भी सर्वे किए जा रहे हैं और जो बजट है यकीनन वो महीने का आप देखेंगे इस तरह से तो कई करोड़ रुपए सिर्फ इमाम और मुअज्जिन की तनख्वाह। शुएब, लगता यह है कि सीधे तौर पर अगर इमामों को और खासतौर पर प्राइवेट जो मस्जिद हैं अगर उनके इमामों को सैलरी दी जा रही है इस तरह से वक्फ बोर्ड की तरफ से, तो जाहिर सी बात है हर मोहल्ले में खासतौर पर मुस्लिम अक्सरियत वाले जो इलाके हैं वहां पर मस्जिदें होती हैं, कई कई भी होती हैं, और इमाम जो है जो भी मस्जिद के होते हैं वो उनका एक अपना रुतबा होता है, उनके कहने पर बहुत सारी चीजें की जाती हैं, वो समाज को एक तरह से बेदार करता है, तो यहाँ पर साफ ये लग रहा है कि इसके सहारे कुछ और हासिल करने की भी कोशिश की जा रही है। देखिए, मैंने जिस तरह से बताया बुशरा कि वहां पर जब लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में एक प्रोग्राम रखा गया था, उसमें सीएम केजरीवाल भी थे, वहां इसी नियत के साथ तमाम जो मस्जिदों के इमाम और मौजन है उनको बुलाया गया था कि ये जिम्मेदार होते हैं, किसी भी आप इलाके में देख लीजिए जो इमाम की बात है वो अक्सर लोग मानते हैं, उस पर अमल करते हैं, तो ये एक तरीके से इस तरह की कोशिश की गई थी कि तमाम इमाम और मौजन को आप बुला लीजिए आइम्मा हजरात को, और वहां से एक सियासी मैसेज भी चला जाएगा। तो उसी तरह से अभी भी है, और जो तीन दिन पहले राष्ट्रपति घटा मस्जिद जो पुरानी दिल्ली में है वहां पर जो जो पूरा प्रोग्राम था उसमें भी कई हजार जो इमाम और मौजन थे उन्होंने शिरकत की थी, और रात के वक्त उनको खाना भी खिलाया गया और कई तरह के वादे उनसे वहां भी। शुएब, क्या बीजेपी ने जो अपने एतराजात जाहिर किए हैं उसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई भी रिएक्शन? देखिए, अभी तो कुछ भी इस तरह की जो बातें हैं वो सामने नहीं आ रही है। एक बड़ी बात ये भी है इस मामले में वक्फ बोर्ड नहीं चाहता, वो इस कोशिश में है कि बहुत ज्यादा सुर्खियां ये मामला ना बटोरे। ओके, जिन लोगों को फायदा पहुंचेगा वो उसके लिए सियासी तौर पर मुकीद होंगे, वो ये चाहता है क्योंकि वक्फ बोर्ड के लोग हैं या फिर आम आदमी पार्टी के लोगों को ये पता है कि मामला इतना सुर पकड़ेगा उसके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। इसीलिए क्योंकि सरकार का जो बजट है अगर उससे इस तरह की जो सैलरी है वो दी जाएगी जो बीजेपी आरोप लगा रही है, तो दूसरे मजहब के धर्म गुरुओं के लिए भी इस तरह की डिमांड उठ सकती है, और अगर ये मुद्दा बनता है तो इससे इस तरीके से जो धार्मिक जो सियासत जिसको कहें कि मजहबी जो राजनीति है उसको वो रंग अगर चढ़ेगा तो उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा होता है, ये हमने हर जगह देखा है। तो पार्टी ये चाहती है शायद आम आदमी पार्टी इसको टूल ना दिया जाए, और वो जिस मकसद के लिए कर रहा है करने जा रही है कर रही है वो उसी मकसद के लिए हो, लेकिन ये कितना रहेगा और आने वाले वक्त में किस तरह से इस पूरे मसले को लेकर और राजनीति होगी ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया शुएब आपका तमाम जानकारी के लिए, मेरे साथ रुकने के जुड़ने के लिए, और तमाम मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जिनसे मैं लगातार इस पर बात कर रही हूं। परविंदर सिंह जी, क्या आपको भी इस पर एतराज है, क्या आपको लगता है कि वाकई में केजरीवाल हुकूमत को ये नहीं करना चाहिए, अगर वो उस इमलाक से भी अगर कर रहा है जो जाहिर सी बात है मुसलमानों के जरिए वक्फ की गई है उससे कमाई भी होती है, पहली बार ऐसा है कि जब 37 करोड़ रुपए का बजट जो है वो वक्फ बोर्ड को दिया गया है किसी सरकार की तरफ से? देखिए, पहली बात तो जो मेरा सख्त एतराज इस बात के ऊपर है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी हैं चाहे ABCD कोई भी है ये जो माइनॉरिटीज का एक मजाक बनाती हैं, और सबसे बड़े कसूरवार हम लोग हैं जो इसका मजाक बनते हैं। आज इलेक्शन डिक्लेयर हो गए हैं, आज आप उनको एक पैकेज के रूप में दे रहे हैं, एक ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी माना जा सकता है, इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद आपको इस तरह का बेनिफिट नहीं दिस। अभी नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ है, लेकिन देखिए उन्होंने देखिए हाँ टेक्निकली नहीं हुआ मैं मानता हूं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपनी सीटें MLA की डिक्लेयर कर दी हैं। आप उसको एक मैं ऑन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड से तो नहीं गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करा है, लेकिन इलेक्शन डिक्लेयर हो गए हैं, सीटें डिक्लेयर हो गई हैं, उसके बाद अगर आप किसी को एक लुभावनी चीज देते हो, इलेक्शन आता है आप मंदिर मस्जिद। तो थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट कर दूं, ये बहुत दिन पहले दरअसल इसका ऐलान किया गया था, अभी यह है कि सैलरी जो क्रेडिट हुई है उनके अकाउंट में खासतौर पे जो प्राइवेट मस्जिदों के इमाम हैं उनके अकाउंट में वो दरअसल दो दिन पहले हुई है। देखिए ये अभी हुई है लेकिन उन्होंने टेक्निकली बोला है कि जनवरी से होंगी, जो 1500 मस्जिदें जो वक्फ वोट के अंदर नहीं आती उनकी सैलरी और जो वक्फ वोट के अंदर आती है उनकी सैलरी जो दिल्ली गवर्नमेंट ने पहली बारी जो उसके ऊपर इतना बड़ा पैकेज दिया गया है, लेकिन ये एक राजनीतिक
से प्रेरित होकर दिया गया है और इस बात को अरविंद केजरीवाल जी ने कहा भी है। उन्होंने कहा है कि मैं किसी भी हद तक चला जाऊंगा मोदी जी को और अमित शाह को हराने के लिए। ये भी उनके एक स्टेटमेंट। परविंदर जी, अगर आपको ये सियासत लगती है तो वो सियासत नहीं लग रही आपको जो बीजेपी ने कहा है, जो उन्होंने कहा है कि भाई आप फिर मंदिर के पुजारियों को भी दीजिए, चर्च के पादरियों को भी दीजिए, फिर सिख समाज में जो लोग होते हैं जो गुरुद्वारे की देखभाल करते हैं आप उनको भी दीजिए, ये भी तो सियासत है ना। देखिए, मैंने अपनी बात शुरू करने से पहले ये बात कही थी कि जो भी ए बी सी डी राजनीतिक पार्टियां हैं माइनॉरिटीज का मजाक उड़ाती हैं और अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए कभी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बनाती हैं कभी ढाती हैं। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। यहाँ पे जो राजनीति का मयार है इतना गिर चुका है, ये आम आदमी को समझना पड़ेगा। जब तक आम आदमी नहीं जागेगा कि मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं सिख हूं और मेरे को फेवर दी जा रही है, आपको कोई फेवर नहीं दी जा रही। ये आपको देखिए, जब तक मैं नहीं कहूंगा कि मैं बिकने को तैयार नहीं हूं, हमारा एक किरदार होना चाहिए कि आपने हमें कोई बेनिफिट देना है, आप एक सबको इक्वलिटी के नाम पे दें, धर्म के नाम पे ना दें। देखिए, सिख समाज का जो इतना जितने भी गुरुद्वारे हैं जहां पे जितना भी पैसा आता है पूरे साल के अंदर दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी वो सारा मानवता के लिए लगा देती है, चाहे कहीं त्रासदी आए, चाहे लंगर के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, उनका टोटल बजट एक्सपेंड पूरा स्पेंड हो जाता है पूरे साल के अंदर। जो बड़े बड़े मंदिर हैं जहां हजारों करोड़ रुपया वहां रखा हुआ है और वहां नहीं खर्च किया जाता। जो देखिए, धर्म और राजनीति को हमें जब तक हम उसके अंदर फर्क नहीं समझेंगे, आम जनता नहीं जागेगी, ये देश यूं ही पिसता जाएगा। ये देखिए, आने वाले समय में ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि भी कौन सी सरकार दिल्ली में आती है, तो उसके बाद क्या रुख होगा सरकार का, ये भी एक विषय की बात है कि बिल्कुल। अब्दुल हमीद नुमानी साहब, क्या आपको ये लगता है कि अभी ये सियासी स्टंट है, अभी ये सैलरियां बांटी जा रही हैं, दी जा रही हैं, इलेक्शन जीत गए तो हो सकता है ये बंद हो जाए, हार गए तो आने वाली सरकार तो वो अपने हिसाब से चीजें करेगी ही फिर? देखिए, गलत है, कई चीजों को समझने की जरूरत है। इसमें राजनीति को और सियासत को तलाश करना जो वो सही नहीं है। ओके। मैं ये मानता हूं अगर गुरुद्वारा है, मंदिर या चर्च, अगर जो है इन जो है पूजा स्थलों की कोई जो है संपत्ति है, वक्फ संपत्ति है और उन संपत्तियों से आमदनी हो रही है, तो जो है वह ग्रंथियों को, पुजारियों को और जो है वह जो उसके राहिब हैं सबको जो है वो दिया जा सकता है, बिल्कुल देना चाहिए। लेकिन ये मस्जिद में जो है वो चढ़ावा नहीं आता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, दूसरी जगह चढ़ावा आता है। तो अगर वो सरकार जो है आम जनता का पैसा जो है इमाम को देती है तो वो गलत है। लेकिन वक्फ जो है, ये चूंकि मस्जिद जो होती है वो सब वक्फ होती है, तो अगर जो वक्फ प्रॉपर्टी से अगर उसको जो है वो तनख्वाह दी जा रही है तो उसमें राजनीति जो है वो तलाश करना गलत है, चाहे मुअज्जिन हो या इमाम हो। ये जो उसका क्या, जो 37,000 करोड़ रुपए जो दिल्ली सरकार ने वक्फ बोर्ड को दिए हैं और उसके बाद ही ये बड़ा ऐलान किया गया है, तो उसको लेकर सवाल बीजेपी उठा रही है? नहीं नहीं, वो जो है जो यहाँ वक्फ संपत्ति है वो जो है मुअज्जिनों को और इमामों को तनख्वाह जो है वो केवल जो है वो वक्फ संपत्तियों से ही जो है वो दी जा सकती है, जिसको जो है आप जो है वजीफा कह लें या जो है वो अलाउंस कह लें। लेकिन यह है कि आम जनता जो है जो टैक्स से या अन्य तरीकों से जो है सरकार को जो है धन देती है उससे जो है इमाम मुअज्जिन को तनख्वाह देना गलत है और लेना भी जो है वो गलत है सरकार से जो है। इसका मतलब, मैं बीच में आपको रोकूंगी, इसका मतलब जो दी जा रही है सैलरी वो इसका मतलब ठीक नहीं दी जा रही, आप यही बात कहते हैं? सरकार जो आम जनता का पैसा है, सरकार ने 37,000 करोड़ दिए हैं, 37 करोड़ सरकार ने जो 37 करोड़ दिए हैं वो तो वही जनता का टैक्स और सरकार के पास तो जनता का ही पैसा आता है ना। नहीं नहीं, इमाम जो है इमाम को जो है वो पैसा देना सही नहीं है और उसके लिए लेना भी सही नहीं है। तो ये तो इमाम जो जितने सरकार की तरफ से नहीं, बहुत सी जगह जो है जहां पैसा ले चुके हैं, इसका मतलब ये लेकिन नहीं नहीं, वो सबसे संपत्ति की जो आमदनी है उसके पैसे है। ये सकता है कि देखिए, वक्फ प्रॉपर्टी से इनकम होती है, बड़े करोड़ों की इनकम है, वही पैसा जो है वो तो अलाउन और वजीफा के रूप में दिया जाता है। इन्होंने कहा उसको मंदिरों से और अन्य जगह से भी जोड़ना चाहिए, मस्जिद में चढ़ावा नहीं आता है, मंदिरों में चढ़ावा आता है, मंदिरों की जायदाद है। उस बात
बात को मान लेते हैं, हो रही है तो उस बात को मान लेते हैं, आप आपकी उस बात को दो मिनट के लिए अगर मान भी लेते हैं, तो आप ये कह रहे हैं वक्फ बोर्ड पे जो जो वक्फ बोर्ड की जो इनकम होती है, उनकी जो पर्सनल इनकम होती है, उससे पे दिया जाना चाहिए। इसका मतलब आज तक दी नहीं जाती थी और अब अचानक सरकार ने 37 करोड़ रुपए दिए, तो ये वाला खान ने क्या नया सिस्टम बना दिया वो जो है, जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा बात तो अगर नहीं मैं समझ की बात को मैंने दोहराया है, पहले की बात वो वसूल नहीं कर पाते थे किराया, किराया जो है वो करोड़ों की उसमें है, वो जो है वो वक्फ संपत्ति। कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी को लीज किया जाता है उसकी इनकम से जितने इमाम है और उनके हेल्पर उनको सैलरी दी जाती थी, लेकिन काफी समय से दी नहीं जा रही। मुद्दा यहाँ पे देखिए, मुद्दा यहाँ पे ये अल्लाह खान साहब ने पहली बार आके वो सुनने सर मैं ये मुद्दा वो नहीं है, हमें हमें उससे कोई इतराज नहीं है, हमारे लिए सब आप भी हमारे भाई हैं। मैं हमें इतराज हमें इतराज इस बात से है, एक पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन के चलते आपके जितने इमाम्स हैं उनकी सैलरी के लिए 37 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, जिसमें सैलरी को डबल कर दिया गया ऑलमोस्ट। लेकिन देखिए, जो भगवान की पूजा करता है उसको सैलरी मिलनी चाहिए, कोई भी रास्ता हो, लेकिन हमें तो ऐतराज इस बात पे है, राजनीतिक लोग हमें बेवकूफ बना रहे हैं, राजनीतिक लोग हमारे को इलेक्शन के समय में आके चक्कर में नहीं आना चाहिए, इलेक्शन के समय में आके हमारे को एक चक्कर में नहीं आना चाहिए। जी मैं आपको एक थोड़ा सा एक मिनट में आपको बताऊं, जो मस्जिद होती है वहां पर जो वहां का मोहल्ला होता है, जहां की वो मस्जिद होती है, वहां के जो लोग होते हैं, जो एक बॉडी वहां की बनाई जाती है, वहां जो पैसा इकट्ठा होता है उससे वहां पर जो मस्जिद होते हैं और जो मस्जिद में जो मेंटेनेंस होता है वो तमाम चीजें वहां से चलती है। क्योंकि मेरे गांव में मस्जिद है जी, वो वक्फ के बोर्ड के तहत नहीं है। हाँ, तो गांव वाले जो है यही मैं बात क्लियर कर रही हूँ कि जो अभी आने वाले दिनों में जितनी सरकारी मतलब नहीं है, मस्जिद में इमाम मुअज्जिन के लिए सरकारी पैसा तनखा जो आम जनता जो है टैक्स या अन्य रूप में जो है वो देती है वो नहीं दिया जा सकता है। जो है वो तनखा देना सही नहीं है सरकार के लिए, इसमें राजनीति आ जाएगी और किसी इमाम मुअज्जिन को राजनीति। तो ये जो 1100 इमाम ले चुके हैं तनखा, जिनके बैंक अकाउंट में 2-3 दिन पहले आया है, अब उनके लिए आप क्या कहेंगे, उनको वापस करना चाहिए? नहीं नहीं, वो उसी का पैसा है, वो तो सरकार का ही उसमें जाता है, तो सरकार की निगरानी में है। अमानतुल्ला साहब सरकार के आदमी है। नहीं नहीं नहीं, आप अभी कह रहे थे कि जो वक्फ बोर्ड को जो पैसा जो उनकी इनकम होती है उसका पैसा इमामों को दिया जाना चाहिए, उनके जो वही दिया जाता करते हैं वही दिया जाना चाहिए। जो सरकार ने पैसा वक्फ बोर्ड को दिया वो तो अन्य कार्यों के लिए दिया ना, उसको बढ़ाने के लिए या उस सैलरी के लिए। सैलरी जायज ही नहीं है शरीयत के हिसाब से, यही बोल रहे हैं ना। तो जो 1100 सरकार की जिम्मेदारी नहीं है और ये बात गलत किसने किया है, और ये बात भी यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए कि 1100 जो इमाम है, एक मिनट, और ये भी क्लियर होना चाहिए कि 1100 जो मस्जिद के इमाम जिनको दिया जा रहा है और मौजिनों को, उसमें दोनों है, उसमें वक्फ बोर्ड के अंदर जो आती है मस्जिद वो भी है और उसमें जो प्राइवेट मस्जिद है वो भी है। जो वक्फ बोर्ड के अंदर आती है वहां वो तो वक्फ बोर्ड को बनता ही है कि वो देंगे ही देंगे, और जो प्राइवेट मस्जिद को देने का वो पहली बार किसी भी हुकूमत ने ये किया है, तो ये भी समझने की या क्लियर होने की बहुत जरूरत है।